एक बार फिर हल्द्वानी पुलिस चर्चाओं में है। इस बार महिला सिपाही ने अपने पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई मामले आए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब एक महिला सिपाही ने अपने पुलिस कांस्टेबल पति पर आरोप लगाया है। दोनों ही उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी कोतवाली में तैनात महिला सिपाही ने अपने पति पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ गाठ गोदाम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। और सीयू हल्द्वानी ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि बनभूलपुरा थाने में तैनात सुरेंद्र सिंह शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट कर रहा है। पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उसे सस्पेंड किया गया था। महिला सिपाही की तहरीर के आधार पर उसके पति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं संशोधन कर दूं, काठगोदाम थाने में मुकदमा कायम हुआ है और इनका सरकारी आवास काठगोदाम थाना क्षेत्र में ही है। तो महिला कांस्टेबल जो जो कि हल्द्वानी कोतवाली में तैनात है, उसका आरोप है कि उसका हस्बैंड सुरेंदर, जो कि बनपुलपुरा थाने में है, और 1 तारीख से लगातार उसकी माँ और वो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। इस संबंध में हल्द्वानी काठगोदाम थाने में मुकदमा पंजीकृत है। विवेचना की जाएगी, जो तथ्य होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।